सो हेलो गाइज, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइज, मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का एक और नया एपिसोड। आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने टेम कर लिया था ये खतरनाक वाला डोडोरेक्स, जिसका डैमेज 400 मिलियन प्लस जा रहा है। गाइज मजा आ गया भाई, 400 मिलियन प्लस डैमेज जाने वाला ही भाई डोडो रेक्स। हमने भाई पिछले एपिसोड में करा था टेम, एंड इस डोडो रेक्स के लिए मैंने पूछे थे भाई आपसे खतरनाक वाले नाम। लेकिन गाइज वो वीडियो जो है ना अभी तक अपलोड नहीं हुए, तो आपने जो नाम भेजे होंगे वो मेरे पास आए नहीं। लेकिन जैसे आपने भेजे हुए नाम मेरे पास आ जाएंगे ना भाई, इस डोडो रेक्स का यहाँ पे अपन नामकरण कर लेंगे। तो गाइज आज के इस एपिसोड में क्या करने वाले वो बताने से पहले, गाइज जो भी नए बंदे हैं भाई गेमिंग की टैनी के चैनल पर, जिन्होंने अभी तक उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के फटाक से सब्सक्राइब कर देना। साइड में बेल आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक करके रख देना, ताकि नई वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन मिल सके गाइस। ठीक है, तो गाइस आज के एपिसोड में ना भाई अपन टेम करने वाले हैं रेक्स को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, हमारे पास है पॉइजन रेक्स, आइस रेक्स, फायर रेक्स, एंड हमारे पास अभी तक भाई ग्राउंड वाला जो रेक्स है ना भाई, जमीन वाला, वो अभी तक भाई हमने टेम नहीं कराए। तो आज के इस एपिसोड में भाई उस रेक्स को अपन टेम करेंगे। एंड इस रेक्स को जो ना, इन रेक्सेस को रखने के लिए आप देख रहे हो भाई, हमने बना लिया एक छोटा सा मोटा सा भाई इनके लिए घर भाई, देख रहे हो। वैसे आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी जगह ज़्यादा है फाइनल वाले रेक्स के लिए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, यहाँ पे अपन डोडो रेक्स रख देंगे। ठीक है, तो गाइस आज के इस एपिसोड में हम टेम करने वाले भाई ग्राउंड वाले रेक्स को। तो चले गाइस बिना किसी देरी के भाई आज का जो एपिसोड है ना वो करते ही शुरू, लेट्स गो। तो गाइज अगर हमको ग्राउंड रेक्स को भाई यहाँ पे टेम करना है ना, तो हमको जाना पड़ेगा भाई डेजर्ट बायोम में। एंड डेजर्ट बायोम में मैं क्या लेके जाऊँ, इसके ऊपर मैं गन चला सकता हूँ क्या? क्योंकि भाई ये जो रेक्स होते हैं ना भाई, इनके एचपी होती है ना भाई, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे मैं अपना जो वेनम है ना भाई, उस वेनम को यूज़ नहीं कर सकता भाई इन रेक्सेस को नॉकआउट करने के लिए। तो यहाँ पे काम कर, ओ ये कौन सा डोडो है भाई, कितना क्यूट और भाई कलरफुल है भाई, नॉर्मल डोडो काफी ज्यादा कलरफुल है भाई। ले भाई बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, चलो भाई लोग। ठीक है, तो गाइस अपन अभी जाने वाले अपने वुल्फ को लेके, एंड वुल्फ के ऊपर से ना भाई अपन भाई उनको भाई मस्त बेके आरो मार मार के जो है ना यहाँ पे नॉकआउट कर लेंगे भाई। ठीक है, लेट्स गो। तो भाई मेरे को जाना पड़ेगा डेजर्ट बायोम में, एंड वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा एक हाई लेवल का रेक्स को। ठीक है, तो चले गाइस बिना किसी देर के अपन भाई पहुंच जाते हैं अपने डेजर्ट बायोम में, एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, रुको। 2 hours later गाइज, वेदर देख रहे हो भाई कैसा हो चुका है भाई, खतरनाक वाला हो चुका है। ओए व्हाट द ब्लड वाइब्रेंट, बेसिकली ऐसे अटैक नहीं करते गाइज। काय को भाई, तुम हवा में उड़ सकते हो, ये लो पार्ट सेट शॉट। अबे भाई 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 पार्ट सेट शॉट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, क्या क्या मारूं ब्लड वाइब्रेंट भाई, मेरे को अटैक करोगे, मेरे ऊपर अटैक करोगे भाई, क्या क्या ये ब्लड वाइब्रेंट वैसे ही भाई अटैक करते नहीं, पता नहीं आज क्यों करा भाई, बड़े आराम से बैठे हुए थे भाई, जैसे ही नज़दीक गया भाई डायरेक्टली भाई गुस्सा हो गया भाई, मजाक कर रहा हूँ पांडे जी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, वेदर देख रहे हो एकदम ऑरेंज ऑरेंज हो चुका है भाई। और यहाँ पे मेरे को भाई ढूंढना है भाई वो खतरनाक सा भाई ग्राउंड वाला रेक्स को, ओके। एंड उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, वैसे यहाँ पे डोडो रेक्स मिला ना तो उसको भी मार लो भाई साहब, नाम लिया बस डोडो रेक्स मिला तो उसको भी मार मार बोला था, लूंगा भी नहीं बोला था। ये देखो डोडो रेक्स सामने भाई, लो रुक जा बेटा बेटा रुक जा, ये बाय बाय अपने टाइम। ट्रॉफी कौन सी है बता, ट्रॉफी अगर वो वाली मिली ना तो मजा आ जाएगा भाई। ओ भाई मेरा, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, मिल गए भाई मिल गए भाई, वापस से एक और बार गाइस मेरे को ये वाली ट्रॉफी मिल गई भाई, काफ़ी बढ़िया। पानी का ये उठा लेता हूँ, ये भाई रेन दो भाई, ये मेरे को नहीं उठाना भाई, खतरनाक भाई लोग खतरनाक। एक काम करेंगे अपन, पुराने वाला बाटली अभी तक फूल है भाई, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल राइट, डन 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 डन, चलो भाई लोग। यहाँ पे मैंने आगे की तरफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो ग्राउंड वाले रेक जो है ना वो देखे थे भाई, आपको बताया होगा पिछले एपिसोड में मेरे पीछे पड़े हुए थे भाई, उसमें से एक रेक्स, ओके। ओ ये रहा आई थिंक, वो कितने लेवल का है, 80 लेवल। आ तू नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए भाई, 80 लेवल का रेक्स लेके मैं क्या ही कर लूँगा भाई, फॉल डैमेज भाई साहब, ये क्या भाई क्या उल्फ है भाई, शरे आम खड़े खड़े फॉल डैमेज खा रहा है भाई, तू क्या गुंडा बने खा रही तू। ठीक है चलो भाई, यहाँ पे रेवेंजर से क्या, हाँ रेवेंजर से, ये रेवेंजर इसमें ये वाले नहीं है क्या भाई, इस मॉड वाले रेवेंजर नहीं है क्या, होंगे तो मजा आ जाएगा भाई। भाई मेरे को फॉलो कर रहे, बावड़ी पूछ हमको कैसे फॉलो करोगे बाबा, 145 ओके, यहाँ पे और दो है 390 नाइस, तू कितने का है 230, 390 वाला मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहेगा ना अपने लिए, क्योंकि और कोई हाई लेवल का मेरे को यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा भाई। ओ ये कौन सा है 410, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड दुर्लभ भाई, सुमड़ी में हाई लेवल का बैठा हुआ है। ये ले भाई ट्रैंक ही है ना, मेरे को बताने भाई ट्रैंक है या नहीं है, अगर ट्रैंक नहीं होगी तो भाई दिक्कत हो जाएगी। रुक जाओ कौन सी आ रहा है मेरे पास, 400, हाँ भाई ट्रैंक वाली है, ट्रैंक वाली है, उठा ले भाई। भाई आना कोंडा का भाई, पक तेरे माँ का आना कोंडा मारू बे भाई, मेरे को मारेगा
यू कॉमेडी मी कैसे? इट्स इम्पॉसिबल, यू नो इट्स इम्पॉसिबल भाई। अगर मैं यहाँ पे रैप्टर लेके आता ना गाइस, तो भाई आप देख रहे हो भाई, इसके 20,000 है और मेरे रैप्टर का जो डैमेज है ना वो 100K है गाइस, ठीक है? तो ये भाई पहली फुर्सत में यहाँ पे टपक जाता भाई, ठीक है? लेट्स गो, अभी अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे वेट करो, इंतजार। सबर का फल मीठा होता है गाइस, ठीक है? सबर का फल मीठा होता है भाई, जाके वहाँ पे नॉकआउट बोले। यस, और कोई पीछे पड़ रहा है? और कोई पीछे नहीं पड़ रहा ना? नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है, रुक जाओ। यहाँ पे मेरे को जो है ना भाई, ओ एरो, ये देख रहे हो, ये वो पुराने वाले एरो उठाने दो भाई, इसके गले पे लगी हुई एरो भाई, उठा ले ये एरो, उठा ले भाई। भाई भाई एरो बहुत महंगी है रे बाबा, भाई एरो एरो भाई, एरो तो इसके पेट के नीचे चली गई भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे पानी, अरे पानी का टेंशन नहीं लेने का रहे, ये ले भाई पानी के दो बोतल लेके आया अपन, ठीक है, लेट्स गो। ओ इसको क्या चाहिए टेम होने के लिए? प्राइम मीट, ओह शिट, इसका टॉर्पोर। ए भाई 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 भाई, रुको रुको भाई, इसके टॉर्पोर के ऊपर तो मैंने भाई ध्यान दिया ही नहीं भाई, मैं भूल गया था कि इन रिग्स का जो टॉर्पोर होता है ना बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से भाई उतरता है यहाँ पे, ठीक है, रुक जाओ। इसके अंदर भाई मेरे को भाई दबा के ब्लैक बेरीज डालने दो। ओके हियर वी गो, 65 ऑलराइट, कितना है भाई? 50% उतर गया ना, दिक्कत हो जाएगी, रुक जाओ, इसके अंदर अभी डाल देता, ठीक है, हियर वी गो। ले भाई खा ले भाई। भाई तेरे को प्यास लग रही है, मजाक कर रहा है? अच्छा उस आर रे, उस रेक्स के पास जाने पे मेरे को बर्निंग वाला इफेक्ट पड़ता है ना, ये देखो फायर इफेक्ट पड़ रहा है भाई इस रेक्स के पास जाने पे मेरे को, उसके कारण ही सीन हो रहा है। तब भी मैं बोलूँ भाई ये कैसे हो रहा है भाई, ठीक है ले भाई ब्लैकबेरीज खा ले। एंड टेमिंग इफेक्टिवनेस 100 है, एंड अभी जस्ट ये टेम होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ठीक है गाइस, रुक जाओ। ये रेक्स जो ना भाई, ये टेम होने दो, जैसे ये टेम हो जाता है ना उसके बाद आपसे मिलते, ठीक है, इसको पैसिव करके रख देता हूँ, गलती से भाई उस रेक्स को ना मार दे, ठीक है, रुक जाओ, इसको टेम होने दो, उसके बाद आपसे मिलते, ठीक है, रुको। 6.5 hours later गाइज, यहाँ पे जो अपना रेक्स है ना भाई, कुछ ही टाइम में यहाँ पे टेम होने वाला है, लेकिन भाई प्यास लग लग के भाई जो हालत खराब है ना भाई, मेरी दोनों की दोनों जो बॉटल्स है ना भाई यहाँ पे खत्म होने को आ गई है भाई, लेकिन मेरे को भाई प्यास ही प्यास लगे जा रहे हैं भाई। ये रेक्स का जो बफ है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई, ये देखो चुटकू चीटिया क्या सोच रहे भाई, मेरे को आके मारोगे तुम? हैं मेरे को आके मारोगे? रुक जाओ आप भी डी करके देता, रुक जाओ इनको आप भी डी करके देता भाई, लाड़ में आ रही है भाई, लाड़ में आ रही है, आ जाओ मेरे उल्फ के पास चलो, आ जाओ फॉलो मी मेरे उल्फ के पास चलो। ओके इसका कितना है भाई? ओके 92 ऑल राइट, हियर वी गो, ये ब्लैकबेरीज ले ले। कितना फुट बार? ओ 13 फुट बार कम होना बाकी है, उसके बाद ही हो जाएगा भाई, ठीक है, आ जाओ भाई। चीटियों कहाँ पे भाई? ये चीटियाँ कहाँ पे बे? कहाँ पे? ये रे भाई, ये दो चीटियाँ देखो, पार्ट सेड शॉट निकलो बे, पहली फुर्सत में निकलो भाई, बड़े आराम से अभी टेम हो जाएगा भाई, बड़े आराम से भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। पाँच, ओह ये किसकी पेटियाँ पड़ी हुई है भाई इतनी यहाँ पे? भाई वुडन क्लब भी पड़े हुए हैं भाई इन पेटियों में, वाह भाई वाह, ऑल राइट, काफ़ी बढ़िया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 92% कितना बचा है भाई? फूड कितना बाकी है? कम होना हो गया भाई, टेम हो गया, हो जा भाई, आ हा, 614 लेवल का भाई अपना बैड एस रेक्स। गाइज आखिरकार तुम्हारे भाई ने जो कलेक्शन था ना भाई अपने रेक्स का, वो कंप्लीट कर लिया है गाइज, ठीक है, अपना रेक्स का कलेक्शन जो है ना भाई वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अपन चलते हैं भाई अपने बेस पे, एंड इस रेक्स का जो है ना डैमेज देख लेते हैं भाई, सर्वर का डैमेज बूस्ट है आपको पता ही है ना भाई, तो मेरे हिसाब से इस रेक्स का जो डैमेज होगा ना कतई ज़्यादा ओपी होने वाला भाई, कतई ज़्यादा ओपी, ठीक है, फिर वी गो। मेरे को भाई उसको चलाने से पहले यहाँ पे भाई रेक्स का एक सैडल बनाना पड़ेगा, रेक्स सैडल इज द, ओके ऑल राइट, हियर वी गो, डन डना डन डन, ऑल राइट। ये फालतू की भाई बेरीज बेरीज डाल दे, मेरे किसी काम की नहीं है भाई, ओके ऑल राइट, हियर वी गो, ओके। एंड ये भी डाल दे, फाइबर रख लेता हूँ, ठीक है, ये रहा भाई रेक्स का सैडल। एंड रेक्स सर जी आ जाइए बाहर, सर जी बाहर आ जाइए, यस ओके। तो इसको मैं सैडल पहना देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर इज्जा बैठेंगे भाई। इसका कलर देखो भाई खतरनाक भाई, हर एक का कलर भाई ओपी है भाई, देख रहे हो, उसका रेड वाइट ग्रीन और इसका भाई खतरनाक वाला, ये कौन सा येल्लो बोल सकते हो भाई, येल्लो और वाइट का कॉम्बिनेशन भाई खतरनाक लग रहा है भाई, कतई ज़्यादा ओपी। बाइट अटैक कर भाई, यस ओके रुक जाओ, इतना भी बाइट अटैक नहीं करना, मिडल में रख देता हूँ, आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहा है भाई, ठीक है। तो राइट क्लिक पे करता बाइट अटैक, लेफ्ट क्लिक पे करता, यस रोर करता है भाई, सी पे क्या करता? ओ सी पे भी अटैक होता है क्या इनके? वो इसके सी पे भी अटैक है, ऑल राइट, उनका सी पे अटैक था क्या? मैंने चेकआउट नहीं करा भाई, मेरे हिसाब से इन रिक्स का तो सी पे अटैक नहीं था, जितना मेरे को पता है भाई इनका तो सी पे अटैक नहीं था ना यार, सी पे अटैक है तेरे पास? ए इसके पास सी पे अटैक नहीं भाई, इसके पास एक स्पेशल अटैक है भाई, ओके
काफी बढ़िया। ओ ये फेंस भाई, फेंस क्रॉस नहीं कर सकता इतना बड़ा रेक्स भाई, तुसी फेंस नहीं भाई क्रॉस करके जा सकता। वाह भाई वाह, ये भी सही है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। हेल्थ में पॉइंट डाल दे भाई। ऑलराइट डन डन डन, ओके वेट में डाल दे। ओके चलो भाई आप भी मजा आएगा ना भाई। ओके विदाउट लेवल अब कितना डैमेज है भाई तेरा? वैसे मैंने एक भी डायनो यहाँ पे छोड़ा नहीं है भाई। डैमेज टेस्ट करते करते भाई सारे के सारे मेरे बेस के आजू बाजू जो डायनो होते हैं ना भाई, वो भाई गायब हो चुके हैं भाई। पेलम पाल मिल चुका है भाई सबको। इधर रुक जाओ। ओह यहाँ पे किसी का तो आवाज़ आ रहा है मेरे को, कोई तो है यहाँ पे, कौन है भाई? ओह ये छोटा सा भाई ओवी रैप्टर का बच्चा है आई थिंक। ओके बाय बाय, अब ग्रेट टाइम भाई। ओवी रैप्टर का बच्चा मर गया यहाँ पे, 14 लेवल अप दे के चला गया मेरे को, ठीक है अच्छी बात है। चलो ऑलराइट, चलो भाई लोग पार्ट सेट शॉट। ओह 1.2 मिलियन भाई डैमेज करता है, ज़्यादा ओपी कर दिया मैंने सर्वर का गाइस। ओके इसकी हेल्थ भाई आई थिंक 1 मिलियन है। कितनी हेल्थ है भाई? हेल्थ कितनी है भाई लोंडे? हेल्थ मैंने गाइस इसकी 1 मिलियन कर दी है। एंड उसके बाद इसका जो डैमेज है ना भाई, डैमेज करते ही ज़्यादा ओपी होने वाला है भाई, ठीक है। डैमेज तो भाई एकदम तबाही मचाने वाला होने वाला है, ठीक है। 1 मिलियन तो अभी अपने लिए भाई कोई कुछ भी नहीं है भाई, इतना सा डैमेज है भाई 1 मिलियन तो भाई। वाह फिर भी 1 मिलियन ही दे रहा है, अच्छा 2 मिलियन दे रहा है। ओके 2 मिलियन दे रहा है। सी वाला अटैक कितना दे रहा है डैमेज? सी वाला अटैक तो कुछ करता ही नहीं है। 4 मिलियन सी वाले अटैक का ज़्यादा डैमेज है गाइज। ये अपना बाइट अटैक है, ठीक है। ये अपना बाइट अटैक का भी 4 मिलियन ही डैमेज है भाई, और सी वाला अटैक का भी उतना ही डैमेज है। ओके ठीक है, दोनों लगभग सेम ही है भाई, दोनों लगभग सेम ही है भाई, अटैक भी सेम ही है। यहाँ पर रुक जाओ, इसकी 2 मिलियन हेल्थ कर लेता हूँ मैं। ओके ऑलराइट हियर वी गो। लेकिन भाई अपने भाई डोडोरेक्स को भाई कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता भाई। डैमेज के चक्कर में भाई अपना डोडोरेक्स हमेशा टॉप पे रहेगा भाई, ठीक है। उससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता भाई। पॉटी कर रहा है। ओके डीके सर जी कर लो पॉटी, कर लो सर। ओके भाई 4 मिलियन डैमेज, खतरनाक खतरनाक भाई। ओके ऑलराइट सर, एक दूसरे को मार रहे हो भाई, झगड़ा झगड़ी नहीं करने का। व्हाट ये जो रेक्स है ना गाइस, ये रेक्स मीट हार्वेस्ट नहीं कर सकता क्या? स्ट्रेंज, वेट एक मिनट रुक जाओ, ये मीट हार्वेस्ट नहीं कर रहा है, देख रहे हो? देख रहे हो ये मीट हार्वेस्ट नहीं कर रहा। डैमेज 5.9 मिलियन का दे रहा है लेकिन ये मीट हार्वेस्ट नहीं कर रहा। इसके कारण क्या हो रहा है पता है क्या? मीट हार्वेस्ट नहीं कर रहा। ओ भाई साहब 3.34 मिलियन डैमेज, इसके कारण इसकी लेवल अप उतनी जल्दी नहीं भाई बढ़ रही है। रुक जाओ मे भी कोई ग्लिच हो सकता है भाई। इन्वेंटर में कुछ खास सामान है भाई, ये वाला दे दे मेरे को। ओके ऑलराइट बाहर उतर जा भाई। ओके ठीक है यहाँ पे आ जा। ऑलराइट 6 नंबर, अबे जाना तू, निकल पहली फुर्सत में, निकल बे रैप्टर, निकल रैप्टर कहाँ पे वो, ले भाई हार्वेस्ट कर इसको। ओ भाई साहब मैं हार्वेस्ट ही नहीं कर सकता गाइस, मेरा जो रेक्स है ना भाई मीट हार्वेस्ट नहीं कर सकता। इसको भाई एक एक्स्ट्रा डैमेज अटैक तो दे दिया लेकिन भाई इसका एक एक्स्ट्रा मूव भी निकाल दिया भाई, मीट हार्वेस्ट करने वाला मूव भी निकाल दिया भाई, खतरनाक। चलो भाई 5.9 मिलियन नॉट दैट बैड भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। अभी तो अपन को भाई कोई भी बॉस छू नहीं पाएगा फिलहाल के लिए, वार्डन तो छू नहीं पाएंगे। वार्डन के ऊपर के बॉस का पता नहीं भाई, वो तो मेरे हिसाब से पेलम पाल दे देंगे भाई। 3.5, ओके काफ़ी बढ़िया 3.5 मिलियन, नाइस। पानी में कैसे चलता है भाई तू? जरा पानी में अपनी भाई स्पीड दिखा लो भाई, पानी में जरा से मैं इसकी गाइस स्पीड देख लूँ कि कितने तेज़ी से पानी में तैर सकता है और पानी में भाई कैसे अटैक कर सकता है, ठीक है। रुको बाय बाय ब्रेक टाइम, ठीक है भाई पानी में तैरना पड़ेगा उसके लिए। बाप रे ये तो भाई पंटी के साबुन से भी भाई 100 गुना ज़्यादा स्लो है भाई पानी के अंदर। भाई रेंदे भाई बाहर निकल, बाहर निकल बेटा, रेंदे भाई तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। रुक जाओ यहाँ पे अपन डाल देते हैं डैमेज में, ठीक है डैमेज में डाल देते हैं। हियर वी गो। ऑलराइट डन 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 डन, ओके इजी पीजी गाइस, ठीक है इजी पीजी भाई, बड़े आराम से पेलम पाओ। भाई छोटू डोडू देख रहे हो, छोटू सा डोडो का बच्चा भाई। बाय 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 सर जी, खतरनाक भाई। ये रेक्स तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आखिरकार हमने भाई रेक्स का जो कलेक्शन है ना भाई वो कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। रेक्स का कलेक्शन तो कतई ज़्यादा ओपी तरीके से अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके डन 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 डन, मर जा भाई, मैं उड़ता हुआ परिंदा मर ही नहीं रहा भाई, ठीक है। 6 मिलियन नाइस गाइस, देख रहे हो 6 मिलियन पे जा चुका है भाई इसका डैमेज, काफ़ी बढ़िया भाई काफ़ी बढ़िया। तो गाइज 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 एक काम कर लेते हैं, आज का जो एपिसोड है हमारा आर्क सर्वाइवल इवोल्व का भाई, इस एपिसोड में बस इतना है। अगले एपिसोड में शायद हम भाई बॉस फाइट ले लेंगे, पता नहीं देखते हैं। अगर भाई मैप पे कोई मेरे को बॉस दिखा ना तो अगले एपिसोड में अपन बॉस फाइट लेंगे, और इस बार तुम्हारे भाई के पास बॉस फाइट लेने के लिए कतई ज़्यादा ओपी वाले डायनो है गाइज, तो फुल ऑन तबाही मचाने वाले गाइज अपन, ठीक है। तो गाइज आज का जो एपिसोड है इस एपिसोड में बस इतना। बॉल फ्राई का छोटा सा बेबी,
भाई साहब देख रहे हो भाई, ट्राई का बच्चा भाई, खतरनाक यार खतरनाक। रुक जा मतलब बच्ची ले रुक जा मतलब बच्ची मतलब बेबी मतलब चोना मतलब बाबू पट सेट चढ़ निकल आएगा तीजे। चलो गाइस, तो गाइस आज का जो एपिसोड है ना भाई, इसमें बस इतना ही। अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद, तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर। एंड जो भी नए बंदे गेमिंग विद्याने के चैनल पे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। यानी के भाई 40,000 के काफी ज्यादा नजदीक है, तो फटाक से भाई 40,000 का जो गोल है ना भाई, कंप्लीट करा दीजिए गाइस। और ये जो हमारा रेक्स है ना भाई, ये फीमेल है, तो इस फीमेल वाले रेक्स के लिए खतरनाक वाले जो नाम है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में डालना नहीं भूलने का गाइस, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं गाइस आर्क सर्वाइवल वॉल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up.